विशाखापट्टनम रायपुर राष्ट्रीय के लिए हाईवे परियोजना भारतमाला परियोजना चरण एक के तहत परियोजना को आर्थिक गलियारे के रूप में घोषित किया गया था। 464 किलोमीटर रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा NH130CD और 115 जिसे रायपुर विजाग एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है NHAI द्वारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के माध्यम से मार्ग संरेखण के साथ एक स्वीकृत 6 लेन एक्सेस नियंत्रित सड़क है। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को भारतमाला परियोजना चरण एक कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिसका प्राथमिक लक्ष्य माल ढुलाई की दक्षता में सुधार और निर्यात को बढ़ावा देना है। योंगमा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड आर्किटेक्नो कंसल्टेंट्स को इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसकी कुल अनुमानित लागत ₹20,000 करोड़ और परियोजना की कुल लंबाई 464.662 किलोमीटर है। इसमें 6 लेन है और इसकी समय सीमा 2025 है और यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। तैयार होने पर रायपुर से विजाग की दूरी 590 किलोमीटर से घटकर 464 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा के समय को 14 घंटे से घटाकर लगभग 7 घंटे कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए टेंडर हो रहा है। अधिकांश परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR पूरी हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण वन और पर्यावरण मंजूरी अनुमोदन के विभिन्न चरणों को पूरा किया जा रहा है। रायपुर विजाग आर्थिक गलियारा परियोजना रायपुर छत्तीसगढ़ के पास अभनपुर से शुरू होती है और विजाग आंध्र प्रदेश के पास सब्बावरम में समाप्त होती है। राजमार्ग का ग्रीनफील्ड संरेखण छत्तीसगढ़ 124.611 किलोमीटर, उड़ीसा 262.211 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 99.629 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरेगा।